आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सीबीआई और पीड़ितों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई है। गोपाल अंसल 4 महीने पहले भी सजा काट चुके हैं, अब उनको 7 महीने 10 दिन की और सजा काटनी होगी। पीएम मोदी के राज्यसभा में रेनकोट वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने बचाव करते हुए कहा कि मोदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जिसके बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अब मोदी के बचाव में खड़े हो गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बुखारी ने यूपी की बदहाली के लिए एसपी को दोषी बताया है। बुखारी ने अपने समर्थकों से एसपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की है। बुखारी ने अखिलेश सरकार से पूछा है कि उन्होंने 5 साल में मुसलमानों को क्या दिया है। सोनिया गांधी ने गोवा के प्रभारी और पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह से गोवा चुनाव के नतीजों पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने सोनिया को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और 2 से 3 विचारधारा वाले निर्दलियों की मदद से सरकार बना लेगी। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। साथ ही पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया गया है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल AIADMK में उत्तराधिकारी को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच ओ पन्नीर सेल्वम ने गुरुवार को राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया गया था, अब अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के कई स्कूलों में सरस्वती पूजा और मिलाद उन नबी को लेकर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच तनाव का माहौल है। हावड़ा जिले के तेहट्टा हाई स्कूल को प्रशासन ने 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने से 48 घंटे पहले ही LOC को पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुस चुके थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी सीमा में घुसने के बाद उन्होंने आतंकी लॉन्चिंग पैड्स की रेकी की और आतंकियों की लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस विवादास्पद आदेश का बचाव किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बहुल 7 देशों के निवासियों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका की एक अदालत ने इस प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। फिलहाल विवादित फैसले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। फ्रांस के एक परमाणु बिजली घर में धमाका होने से आग लग गई, लेकिन परमाणु विकिरण का कोई खतरा नहीं है, अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बोलीविया सरकार ने देश के एक बड़े कृषि इलाके में टिड्डों के कारण आपातकाल लगा दिया है। अधिकारियों के आकलन के मुताबिक टिड्डों के कारण 1000 हेक्टेयर से अधिक इलाके में फसलें बर्बाद हुई हैं। अफगानिस्तान में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के 6 कर्मियों की हत्या कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना जोनजान प्रांत में हुई है। प्रांतीय गवर्नर के मुताबिक इन कर्मियों को कुछ तेपा इलाके में गोली मारी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने के बाद पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हाल ही में वो अपने अरबपति मित्र रिचर्ड ब्रेंसन के साथ उनके द्वीप मास्किटो आइसलैंड के नेकर बीच पर खूब मस्ती की। मुरली विजय के 108, विराट कोहली के नाबाद 111 और तेजेश्वर पुजारा के 83 रनों की शानदार पारियों के दम पर भारत ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे 1वें टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन गुरुवार का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 356 रन बना लिए हैं।